जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको, जय हिंद भाई। तो जैसा कि जानते हैं कि आप नया आयोग बन चुका है, सदस्य तो आ गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष भी आ गए हैं। हाँ, चार उप सचिव के लिए नोटिस जारी हो गया इस महीने तक, वो भी आ जाएंगे। लेकिन हाँ, जो हल्ला है हर जगह कि जुलाई अगस्त में ही परीक्षा होगी, तो ये पिछले चुनाव के पहले से ही मैं कह रहा हूँ कि जुलाई अगस्त में परीक्षा होने की नगण्य संभावना है, नगण्य बिल्कुल बोल रहा हूँ। कि ये सब करते करते आपका जुलाई बीतेगा ही, सॉरी जून लास्ट तक होगा ही, फिर आपका क्या वेबसाइट बनना है। अब बात यहाँ पर कुछ भ्रम की स्थिति नई नियमावली को लेकर के आ गई है, जो आप लोगों ने भी देखा है कि नया नई नियमावली कि इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नई नियमावली। तो इसके लिए जो पुराने जो 2022 में बच्चे फॉर्म भरे हैं, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। नई नियमावली जो भी होगी वो अगले, मतलब इस वैकेंसी के बाद जो नई वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आनी तय है, लेकिन ये उम्मीद मत करिएगा कि अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक ये परीक्षा होगी फिर तुरंत फॉर्म आ जाएगा। वो मान के चलिए, वो खिंचा के एग्जाम होते होते, ज्वाइनिंग होते होते, वो विधानसभा चुनाव के पहले का मामला जाएगा, आएगी इतना तय है। इतना तय है कि इस बार जैसी चोट आप लोगों ने दिया है, आप लोगों क्या सब कहें, हम लोगों ने दिया है, उस हिसाब से वैकेंसी आनी तो तय है। लेकिन अधिकारी सुधरे रहे, अधिकारी उसके लिए थोड़ी सी हमें आपको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, अधिकारी भी सही जगह पे सही जानकारी देते नहीं है, जिसके बारे में इस बार हल्ला भी सुन रहे हैं आप कि अधिकारी ने क्या किया। भाई नया आयोग वाले 2 साल पुरानी जो वैकेंसी थी उसी को ले जाकर के सैटरडे को जो बैठे हुए दिखा दिए, भाई इतनी वैकेंसी है, इतना हमने फॉर्म निकाला हुआ है, लेकिन बाकी वैकेंसी को गोलगाल कर गए। लेकिन मामला हाईलाइट इतना ज्यादा हो गया कि उम्मीद करते हैं जल्दी उस तक भी पहुंच जाएगा और उस पर कार्यवाही भी होगी ही होगी। तो नई नियमावली क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग के भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है, इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती, यानी क्या, आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इस भर्ती की बात नहीं हो रही है, 2022 में जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आया उसके लिए बात नहीं हो रही है, न्यू वैकेंसी के लिए बात हो रही है आपकी, ठीक है। 2 शिक्षक भर्तियों 2 वर्षों से लंबित पड़ी, इसमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालय टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों की भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है, ठीक है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है, औपचारिकताएं, इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। मतलब कि क्या, वैकेंसी मतलब होगा वही, बस नई नियमावली में, हाँ बस ये कह सकते हैं, देखिए कोई भी चीज जब नई चीजें बदली जाती है, अब देखिए अध्यक्ष नए होंगे, आपके क्या होंगे, अध्यक्ष नए होंगे, नया परीक्षा नियंत्रक आएंगे, तो एग्जामिनेशन जो पेपर सेट करते हैं, ठीक है, वो भी नए आएंगे, तो हर आदमी का सोचने समझने का तरीका भी आपका क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। एक जो पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन सेट हो रहा था आपका, उसी पैटर्न पे इस बार भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन सेट हो, ये जरूरी नहीं। हाँ, सिलेबस में कोई अंतर नहीं आएगा इस वैकेंसी में, मतलब इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि जीएस आ जाएगा या हिंदी इंग्लिश आ जाएगा हमारा, ऐसा कुछ 2022 वाले वैकेंसी में आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, ये आप निश्चिंत होकर के चलिए। बाकी जितने जीएस वाली बात जो आ रही है, हिंदी इंग्लिश वाली जो सब बात हो रही है, मतलब जैसे और जगहों पे मैक्सिमम जगह पे होता, वो सारे के सारे इस एग्जाम को हो जाने के बाद जो आएगी नई भर्ती, उसमें आपका हो सकता है होगा, इसमें आपका सिलेबस में कोई चेंज नहीं होना, तो वो टेंशन आपको नहीं लेना। हाँ, बदलाव कहां पर संभव है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में, क्योंकि हर आदमी, जैसे आप ही को अगर क्वेश्चन दे दे, भाई आप भी तो इस लेवल हैं, बहुत लोग शिक्षक हैं भाई, आपको आप ही को कह दिया जाए कि 2022 का एग्जाम जब होगा तो उसका क्वेश्चन सेट कीजिए, तो आप अपने हिसाब से करेंगे ना, कुछ तो नया आप करेंगे, तो नया तो उसके लिए क्या, सिलेबस नहीं बदलेगा तो क्वेश्चंस पूछने का तरीका, तो उसके लिए आप सही आदमी वही होता है, मतलब जो सेलेक्ट होते हैं वो खतरों को थोड़ा सा पहले भांप लेते हैं, खतरों को
पहले भाप लेते हैं तभी उनके चयन के चयन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपके। पहले के एग्जाम में क्या होता था, ज्यादातर क्वेश्चन जो होता था वही वन करेक्ट आंसर वाला, चार ऑप्शन दे दिया, काम खत्म हो गया हमारा। लेकिन अब जो मैक्सिमम एग्जाम आप ज्यादातर जगह देख रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्स में तो तीन चार तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तीन चार तरीके। एक तो आपका वही पुराना पैटर्न वाला कि एक क्वेश्चन दे दिया और उसके चार ऑप्शन दे दिए, आपका काम हो गया। अब है कौन सा एक ठीक है वो बताइए। लेकिन क्या रुकिए बस चलो पांच लेकिन अब बिहार वाले में आप देखें तो बिहार वाले में देखिए क्या किया, क्या चला कि बीपीएससी टीआरई वन टीआरई टू का आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्या देख रहे हैं आप कि पांच ऑप्शंस वाले हैं। क्या है मतलब, ये जरूरी नहीं है कि पांच ऑप्शंस वाले हैं पूछे, बिहार पैटर्न पे ही चले, ये जरूरी नहीं होता है आपका। ठीक है सर, मन टूट जाता है, स्टेट का वीडियो कोई लाता है बीएड वालों के लिए कुछ करो। ठीक है तो वहां पर क्या है पांच में, तो उसमें क्या दे रहा है, तीन ऑप्शन दे दे रहा है, चौथा ऑप्शन क्या दे दे रहा है, एक से ज्यादा उत्तर सही हमारा, और पांचवा क्या दे दे रहा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हमारा। तो ये हमारा क्या है, टाइम ज्यादा लेता है। मतलब हमें सारे पहले के अगर चार ही ऑप्शन है उसमें से एक सही है तो देख करके तुरंत बता देते, एक सही मिल गया तो बाकी ऑप्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोर देन वन करेक्ट वाला जब पूछता है कि तीन ऑप्शन दे दिया, चौथा मोर देन वन करेक्ट दे दिया और पांचवा नन ऑफ दिस दे दिया, तो आपको हर ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी, एक ऑप्शन एक ऑप्शन मिल गया, हम लोग तुरंत एकदम आदत तो वही लगी है कि वो तुरंत लगा दिया हमने, और पता चला दूसरा तीसरा ऑप्शन पे हमने ध्यान ही नहीं दिया, दूसरा तीसरा। ये इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि हर बार देखते हैं कि हर पेपर में एक दो क्वेश्चन पे विवाद हो जाता है, एक दो क्वेश्चन पे विवाद, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, तो वो विवाद खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, दो आंसर है तो क्वेश्चन सेट होने के बाद भी ऑप्शन देते समय उसको सुधार के किया जा सकता है भाई कि डी वाला ऑप्शन होगा, मोर देन वन वाला होगा। दूसरा जो आजकल क्वेश्चन जो पहले से भी पूछा जा रहा है बाकी एग्जाम्स में, टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछा जाता है, आपके क्या पैसेज वाले क्वेश्चन, उसका भी आपको तैयारी थोड़ा सा लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं आएगा, इस बार तो नहीं आना है, इतना आप तय मानिए। ठीक, जो भी होगा बदलाव वो अगले वाले में होगा। इस बार टीजीटी पीजीटी में ना पहले नेगेटिव मार्किंग था और इस बार भी नेगेटिव मार्किंग होने की कोई संभावना नहीं है आपका। ठीक है, अरे कट ऑफ आदेश आशीष विक्रम जी, वो तो एग्जाम के बाद कट ऑफ बताया जाता है ना भाई। कट ऑफ तो क्या होता, पेपर टफ आ गया कट ऑफ कम जाएगा हमारा। ठीक, पेपर इजी आ गया मेरिट हाई चली जाती है, कट ऑफ हाई चला जाता आपका। तो वो एग्जाम के पहले कोई कैसे बता सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा हमारा, वो तो पेपर डिसाइड करता है किस हिसाब से पेपर। अगर क्वेश्चंस का पैटर्न बदला तो कोई बताया तो पांच ऑप्शंस वाले में कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब पैसेज वाला, तो पैसेज वाले के भी थोड़ी सी आदत आपको बना करके चलनी, देखते हैं ना कि एक पैसेज दे दिया उस पर तीन ठो क्वेश्चन दे दिया, दो ठो क्वेश्चन दे दिया, चार ठो क्वेश्चन दे दिया, तो दूसरा ये तरीका होता है। तो पैसेज में कभी कभी क्या होता है कि आपको जो आपने फार्मूला पढ़ा है वो एग्जैक्ट ना दे करके थोड़ा बहुत चेंज कर करके पैसेज में उसको डिफाइन कर देता है, पैसेज में उसको क्या कर देता है, डिफाइन कर देता है आपका। अब वहां डिफाइन कर दिया तो आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो तो चलिए काम का है ही, लेकिन पैसेज के हिसाब से उन फार्मूले में आपको मॉडिफाइड करना होता, तो आप क्या पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए वहां मतलब नहीं है, पैसेज में क्या कह रहा है पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ करके फिर उनको क्वेश्चंस को आंसर देना होता। तो आदत तो हमारी पुराने पैटर्न पे रहती है, जो बुक में दिया सब कुछ उसके हिसाब से, लेकिन जो मॉडिफाइड रहता है वो आदत में शुमार होता नहीं है, तो अक्सर हम उन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा गलत कर देते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है। दूसरा पैसेज टाइप वाला हो गया। तीसरा आपका जो होता है एसर्शन एंड रीजन, एसर्शन रीजन एक दो क्वेश्चन ही अक्सर जनरली पूछा जाता था एलटी वगैरह में खास करके आपका, लेकिन हो सकता है क्योंकि बाकी एग्जाम्स में जैसे एसर्शन रीजन का वेटेज बढ़ा रहा तो हो सकता है कि नया परीक्षा नियंत्रण आए, थोड़ा सा अगर मॉडर्न सोचें वो आधुनिकता के हिसाब से सोचें और एग्जाम्स को लेकर के आइडिया लें, तो हो सकता है आपके एसर्शन रीजन कथन और कारण वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है,
कथन और कारण वाले, कथन और कारण वाले के लिए भी कि थोड़ा सा क्वेश्चन वो भी टिपिकल हो जाता है। उसमें जैसे चार ऑप्शंस आपके दिए रहते हैं कि कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है, दूसरा दे देता है कथन एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, लेकिन कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है हमारा, तीसरा दे देता है कथन एक सही है, दो गलत है, या कथन एक गलत है, कथन दो सही है। तो सही गलत तो चेक करने में हमें तकलीफ नहीं होती है, सही गलत तो चेक करने में हमें समस्या नहीं होती है, समस्या ए और बी वाले ऑप्शंस में होता है कि कथन दो जो है कथन एक का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं है, ठीक। और वो हम एग्जैक्ट तभी पता लगा सकते हैं, हमेशा उसमें एक बारीक सा अंतर होता है, एक बारीक सी रेखा होती है जो अक्सर गलत करा देता है। तो उसके लिए थोड़ा सा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट डिटेल से समझना होगा, ठीक। मतलब खाली फार्मूला अगर रटे रहते हैं तो हमारा काम नहीं चलता है, जब तक उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझे रखते हैं तब तक वो समस्या हमारा करता है। तो तीसरा तरीका आपका तीसरे टाइप में आ जाता है, कथन और कारण वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे गलती कराता है, ये टाइम टेकिंग होता, वही तो मैं समझा रहा हूं। और चौथा जो आजकल नया चल रहा है, कथन कारण वाला भी तो पुराना हो गया लेकिन अभी भी अक्सर एग्जाम्स में पूछता है, यूपी टीजी टीपीजीटी एलटी वगैरह में भी पूछने लगा, लेकिन एक दो चार पूछता था, अब क्या है, हो सकता है इसकी संख्या आपको बढ़े। और चौथा जो आपका है वो होता है कि स्टेटमेंट कथन कारण नहीं दे देता है, एक सवाल में तीन चार सवाल कर देता है, एक सवाल में तीन चार सवाल कि दे दिया ना भाई कि पहला ये हमारा इस तरह से दे दिया ना कि चार स्टेटमेंट है हमारा भाई, पहला कि ए बी का इनवर्स बराबर, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं आसान सा, बी इनवर्स ए इनवर्स, दूसरा दे दिया ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर दे दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी दे दिया, एडजॉइंट ऑफ बी दे दिया, तीन स्टेटमेंट दे दिया, तीसरा स्टेटमेंट दे दिया हमारा क्या कि a प्लस बी इनवर्स बराबर a इनवर्स प्लस b इनवर्स दे दिया हमारा, ठीक। इस तरह से तीन स्टेटमेंट दे दिया, अब हमसे पूछ लेता है कि बताओ भाई तीनों में, मतलब ये तो हमने एकदम आसान सा एकदम बेसिक डेफिनेशन वाला लिया है कि कौन कौन सा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, कि पहला दूसरा सही है, कि दूसरा तीसरा सही है, या केवल पहला सही है, इस तरह से आपको। तो यहां पर क्या है कि एक क्वेश्चन में पता चला तीन, अब इस तरह से हो सकता है नॉमेरिकल्स भी दे दे तीनों स्टेटमेंट वहां, तो यहां पर हमारा क्या, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही केवल ये वाला है हमारा, ठीक है। अब इसी में क्या है, एक सवाल करने के लिए हमें तीन सवाल लगाना पड़ जाता है, कभी कभी चार चार स्टेटमेंट दे देता है, तो ये तो इस तरह ये चार तरह के सवाल अक्सर आपसे बन सकते हैं, लेकिन वही है ना कि फिर समय हम लोग पुराने ढर्रे पे चलते रहते, ऐसा नहीं कि इसके लिए हमें कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, नया कुछ पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं है, हाँ पढ़ने का तरीका थोड़ा सा जरूर बदलना पड़ेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस का तरीका थोड़ा सा आपको और बदलना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी जो कि ये फिक्स है कि इस बार 2022 टीजीटी पीजीटी सितंबर जुलाई अगस्त में तो नहीं होगा, इस बात को तय मान के चलिए, लेकिन हाँ सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक, सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक आपकी परीक्षा होगी, 99.9% संभावना है, ठीक है। 100% मैं कभी नहीं कहता, कब क्या हो जाए कौन जानता है भाई, इसके बारे में 100% तो मैं कभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ अक्टूबर तक मैक्सिमम आपकी 2022 वाला टीजीटी पीजीटी हो जाएगा, नई वैकेंसी उसके बाद, इसमें सीट वृद्धि की संभावना मेरे हिसाब से कम ही नजर आ रही है, लेकिन क्या ये एग्जाम करा करके फिर नए पैटर्न पे, जिसमें कि बहुत पहले से ही बताया जा रहा कि आपका जीएस भी पूछेगा, ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स ही सब पूछेगा आपका, जैसे DSSSB में होता है या बिहार वाले में हो रहा है, कुछ क्वालिफाइंग लैंग्वेज वाला हो तो क्या होगा, वो इस महीने आपका क्लियर हो जाएगा चीजें जब निकल के साथ, लेकिन वो सारी नई वैकेंसी के लिए, वो सारे क्या है नई वैकेंसी के लिए ये होगा, इस वैकेंसी में ऐसा कुछ नहीं होना, इस वैकेंसी में बस जो बताया आपको
कि बस पैटर्न हो सकता है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका थोड़ा बहुत जरूर बदल सकता, ना कोई सिलेबस में चेंज होगा, ना फॉर्म भर चुका है तो उसमें और कोई चेंज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नई जो बहाली अगर आती है ठीक, तो उसका एग्जाम मान के चलिए 25 में तो ना होगा आपका, वो मान के चलिए वो फिर कमाई की जाएगी किसके लिए, 27 वाले के लिए कमाई की जाएगी। हाँ, लेकिन एक डेढ़ साल के अंदर कमाओ उसको कर करा करके फिर ज्वाइनिंग वगैरह भी देंगे, क्योंकि अभी स्थिति बड़ी विकट हो गई है और दो साल है, दो साल में ये वैकेंसी क्लियर करके और वैकेंसी एक तो आपको पक्का मिलना ही मिलना। तो जो खैर उसकी बात, वो तो वो सोचेंगे ना जो 2022 का फॉर्म नहीं भरे, वो उनके लिए उसके लिए अलर्ट हो सकते हैं आप, लेकिन जो 2022 का फॉर्म भरे हैं ठीक है, दो 2022 का फॉर्म भरे हैं उसके लिए आपको बस लगना है अगली वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी उसकी चिंता आपको नहीं करना, पहले जो निश्चित है फॉर्म भर चुके हैं उस पे जी जान लगाने की जरूरत होगी। अब यही वैकेंसी नहीं, तैयारी भी आपको करना है कि अगर आप अंडर एज हैं, मतलब बहुत ज्यादा एज नहीं है, बाकी एग्जाम्स भी दे सकते हैं, तो आपका बीपीएससी TRE4 में भी आपको क्या है उसके लिए भी तैयार रहना है। सितंबर में एनवीएस की परीक्षा होगी उसके लिए भी तैयार रहना है। दिसंबर जनवरी तक पूरी संभावना है कि आपका ईएमआरएस हो सकता है, 90% चांसेस है कि ईएमआरएस भी आपका दिसंबर तक आएगा, जुलाई अगस्त में उसका भी फॉर्म देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ केवीएस की बात होगी, साथ ही साथ केवीएस भी आने की, अरे जाएगा भाई, दो चार दिन कुछ काम भी हो सकता है, जाएगा देखना तो है नहीं ठीक, जाएगा 75-76 चला गया है ना ठीक, एक बोर्ड थोड़ा सा स्टूडियो में प्रॉब्लम चल रही है, एक बोर्ड खराब है जिस वजह से वो नहीं बन पाया है, तो आज कल में फिर बनने लगेगा फिर जाने लगेगा। एनोनोमियस काइंड जी जाएगा, परेशान ना हो ठीक, मंत्रा सीरीज जो है वो जाएगा मेरे भाई, जाएगा, हैरान परेशान क्यों हो रहे हो, जब जाता है तब तो देखते नहीं हो, 100 व्यू 200 व्यू 300 ठीक, और जब नहीं जाता है ठीक तो जाएगा, अभी थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से नहीं जा रहा है, एक दो दिन बाद से वो आपका जाने लगेगा। टेस्ट सीरीज हिंदी में लाए, हिंदी में टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है 10 का दम नाम से, 10 का दम नाम से हिंदी वाले को लिए ही शुरू किया गया है, जो कि पिछले एक महीने से आपका चल रहा है ठीक है, ये हिंदी में ही क्वेश्चंस आपके रहते हैं। एक ब्रह्मास्त्र जो था वो इंग्लिश में था आपका ठीक, वो चाहे तो आप अगर जरूरत है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड मिलेगा। 10 कदम जो हिंदी वाला टेस्ट है वो आपका हिंदी में आपका चल रहा है, डेली 8 से 9 चलता है आपका ठीक है। LT भी आएगा, लेकिन LT में भी तो अध्याचन वापस ही चला गया, जो आया था वो वापस चला गया है आपका, तो उसके बाद ना भाई लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तब ना बाबा जागे हैं, अब जागे हैं देखा, एक दौड़ने थोड़ी लग जाएंगे, दौड़ने तो ना लग जाएंगे, उनको भी समझ में आ गया कि बिना वैकेंसी दिए काम चलना नहीं है ठीक है। लेकिन हाँ, एकदम एकाएक चाहेंगे कि कल ही आ जाए, परसों ही आ जाए, तरसों ही आ जाए ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा सा टाइम तो आपका लगेगा ही लगेगा ठीक है। एनवीएस का बैच भी चल रहा है आपका ऑलरेडी ठीक। हाँ, अगर कोई नया जोड़ना चाहते हैं TGT पे, अभी लगभग 90-100 दिन है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो तुरंत नहीं ज्वाइन करना होता, टेस्ट सीरीज का आपका फायदा तभी होता है, किसी प्रैक्टिस बैच का आपका फायदा तभी होता है जब एक बार आप लाइव जुड़ते हैं, और साथ ही साथ जो भी टॉपिक आपको बताया जाता है उसको एक बार रिवीजन करके आते हैं। बस ऐसे पैसा देखिए 2-4, 500, 1,500 रुपया की बात है तो आदमी दे देता है, लेकिन उसके बाद दो दिन बाद फिर आना बंद कर देता है, रिकॉर्डेड देख लेंगे हम भाई ठीक, रिकॉर्डेड देख लेंगे, तो एक दिन छूटता है, दो दिन छूटता है, उसके बाद लगता है एग्जाम आने दो ना, एग्जाम आने दो, इकट्ठा ही सब देख लेंगे, तो 10 दिन का खाना इकट्ठे मिले तो थोड़ी खा पाएंगे। तो डेली का काम आप डेली कर सकते हैं तभी जाकर के उसका फायदा मिलता है। 1,500 कोई बड़ी चीज नहीं होता है, लेकिन उसका अगर आप फायदा नहीं उठाते हैं तो समय पर ने एक रुपया भी बड़ी चीज हो जाता है। तो अगर आप कहीं लगा, कोई जरूरी नहीं आप यहीं कहीं भी लगा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब एक बार आपका सिलेबस पढ़ा हुआ होगा और उसको साथ ही साथ आप रिवाइज करते हुए चलेंगे। अगर बस ऐसे ही आकर के बैठ गए, लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा, तो फिर उसका कोई बेनिफिट आपको मिलना नहीं होगा ठीक है। देवेश जी, आज क्लास हो सकता है 7 से 8 और 8 से 9 दोनों नहीं होगा,
क्योंकि जो स्टूडियो है जिसमें मैं क्लास लेता था, अभी जूलॉजी वाले सर को भगाए हैं तब इसमें क्लास ले रहे हैं। जूलॉजी वाले सर से आधे घंटे के लिए हमने ये स्टूडियो उधार लिया है तब क्लास ले रहा हूं। ठीक, बोर्ड में देखे थे ना सैटर संडे को जो क्लास चली थी, एकाएक बोर्ड अपडेट ले लिया था, 15-20 क्वेश्चन में ही क्लास रुक गई थी आपकी, वो तो पब्लिक क्लास ही थी, तो बोर्ड में कुछ समस्या थी, वो बनने मतलब अपडेट होने गया है, तो आपका आज इसलिए वजह से क्लास नहीं चलेगी, ना 7 से 8 वाला और ना ही 8 से 9 वाला। चल तो बैचेस अगर आप चाहें तो परसों से आपका न्यू बैचेस भी स्टार्ट होना है। ठीक, फंक्शन से बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप पढ़ चुके हो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, नहीं पढ़े हो और शुरुआत करना चाहते हैं तो आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके लिए नंबर 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे। डेट इसकी जो होगी वो क्या है, आज कौन सा 10 है ना, 11 है, तो 13 तारीख से आपका ये स्टार्ट होना है, 13 तारीख से आपका ये स्टार्ट होगा। जो नए बच्चे हैं वो भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। चलिए फिर आपका क्या है, कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट ये है कि नया पैटर्न जब बनेगा तो सिलेबस बस वही रहना, बस डिफरेंट टाइप, मतलब बिहार में कैसा क्वेश्चन पूछा था, DSSSB में किस पैटर्न पे आ रहा है आपका, ठीक, या JEE मेन में किस पैटर्न पे आ रहा है, NDA में किस पर पैटर्न पे आ रहा है, तो उस पैटर्न पे भी आपको निगाह रखनी है और उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस सारे नहीं लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस का भी, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको लेके चलना, ध्यान में रखना और प्रैक्टिस करना कि चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन पूछे नया आयोग वाला, हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। ठीक, तभी जाकर, क्योंकि सीट बहुत काफी कम है, बच्चे काफी ज्यादा हैं आपके, या तो हताश निराश होकर बैठ जाए, जो होगा देखा जाएगा, तो उसका कोई फायदा है नहीं, और इस तरह से किए रहेंगे तो हर तरीके के क्वेश्चंस को आपको टैकल करना आ जाएगा। उसके बाद चाहे आप जो एग्जाम दें, चाहे आप DSSSB दें, BPSC का दें, UPTGT PGT दें या LT दें, चाहे झारखंड का दें, चाहे जहां का भी दें, उससे बाहर का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है। सर आपके YouTube की क्लास से क्या है फंक्शन, हमने और बाकी बैच में सीख लेंगे। हाँ एकदम सीख लीजिए, YouTube पे पूरा फ्री में फंक्शन पढ़ाया हुआ, पूरा डिटेल में पढ़ाया, डिटेल से पढ़ाया हुआ है आपका। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे, लेकिन हाँ अब ज्यादा दिन आपका नहीं है, तो अगर आपने किताब कॉपी बंद किए कर दिया होगा हताश निराश होकर के, तो जिस हिसाब से एक्टिविटी आप देख रहे हैं, ठीक, उसके हिसाब से आपको भी अब जाग जाना होगा। बाबा तो थोड़े बहुत जागे हैं, अधिकारी नहीं जागे हैं। अधिकारी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बाबा ने मीटिंग तो बुलाई, अधिकारी ने 2 साल पुराना वाला दिखाई दिया। ठीक है, तो अधिकारी अभी नहीं जागे हैं, समय आएगा वो भी जागेंगे, समय आएगा तो वो भी जागेंगे, और नहीं जागेंगे तो फिर जगाना होगा, बिना जगाए तो काम चलेगा नहीं। यहां तो पता चला हक की लड़ाई, हक की बात के लिए क्या लड़ाई लड़नी पड़ती है आपको। ठीक है, तो जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। चलिए खैर, जय हिंद जय भारत। सर जो 10 कदम जो लोग ब्रह्मास्त्र बैच ली, देखिए ब्रह्मास्त्र बैच इंग्लिश में चला था और 10 कदम हिंदी में है, इसमें क्वेश्चंस हिंदी में करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। ठीक, ब्रह्मास्त्र इंग्लिश में था आपका, तो कोई जरूरी नहीं है इतना, ब्रह्मास्त्र में भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपको कराए, लेकिन सारे क्वेश्चंस वही रहेंगे जरूरी तो है नहीं, तो इच्छा के ऊपर निर्भर करे, मन करे लीजिए, ना मन करे ना लीजिए, लेंगे तो कुछ फायदा ही होगा, नए क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। भाई मैथ्स में क्वेश्चंस की कमी तो होती नहीं है, प्रैक्टिस आपका कब खत्म होता है, जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। ठीक, तब भी प्रैक्टिस खत्म नहीं होता तब, लेकिन प्रैक्टिस दूसरे चीज के लिए शुरू होता है। अभी आपको सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस करना होता है, तब पढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। बाकी टीचर बनने का अगर सोचे हैं, इस फील्ड में जाना है, पढ़ना तो आपको जिंदगी भर होगा, सिलेक्शन के पहले भी और सिलेक्शन के बाद भी। जैसे आता है ना कि जीवन आनंद वाला LIC का जो आता है स्लोगन, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो यहां अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, सिलेक्शन के पहले भी और सिलेक्शन के बाद भी टीचर बनने जा रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो छुटकारा नहीं पा सकते तो उसको बोझ ना समझ के कंटिन्यू लगा जाए भाई, हमारा लगे रहा जाए। चलिए, एकलव्य बैच है पे भाई, बिल्कुल है मोहम्मद, आप ढूंढ नहीं पाए होंगे,
बिल्कुल है, उसके लिए आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं है। ऐप डाउनलोड करेंगे, अपने आप थोड़ा सा नीचे चला गया होगा वह क्लब बैच, पूरा स्क्रॉल करेंगे आपको एक क्लब बैच दिख जाएगा, बहुत दिन तक ऊपर था लेकिन अब थोड़ा नीचे चला गया है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से ढूंढेंगे, बिल्कुल मिलेगा आपको। चलिए, खैर, जय हिंद, जय भारत।